वेलकम टू साइंस कॉर्नर आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर हम एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को देखने से पहले देखेंगे एटम क्या होता है एटम हमारे पास किसी भी मैटर का पार्टिकल जो कि के हमारे केमिकल एलिमेंट को डिफाइन करता है एटम्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उनमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है शेल्स में तो हमें पता है कि प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसी वजह से शेल्स पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव और शेल्स का जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और एक एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट बेसिकली दीज आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स नेक्स्ट हम मूव करेंगे एटॉमिक नंबर पे। इसके डेफिनेशन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स के किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो बेसिकली हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उसका यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है फ्लोरीन की जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है नाइन इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो नाइन होंगे उसके अलावा अगर हम फर्दर एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है एट इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो एट प्रेजेंट है उसी तरीके से कार्बन के सिक्स हैं नाइट्रोजन के सेवन हैं एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मैस नंबर जिसे हम एटॉमिक मैस भी कहते हैं इसकी डेफिनेशन है मैस नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन दोनों का सम हमारे पास मैथ नंबर होता है इसका हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं मैस नंबर का फॉर्मूला ए इज़ इक्वल टू जी प्लस स्मॉल एन ए इसमें मैथ नंबर है कैपिटल जी हमारे पास एटॉमिक नंबर है और जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे नीचे जो एग्जांपल दी हुई है कार्बन की कार्बन का मैस नंबर है ट्वेल्व उसका एटॉमिक नंबर है सिक्स एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम करेंगे तो वो वो हमारे पास ट्वेल्व यानी मैस नंबर के इक्वल आएगा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट है हाउ मैनी प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देर इन एन एटम हैविंग मैथ नंबर फोर्टी एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ट्वेंटी हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास हैं ट्वेंटी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए इज़ इक्ल टू जी प्लस एन और एन इज़ इक्वल टू ए माइनस जी ए हमारे पास हैं फोर्टी और जी हैं ट्वेंटी तो इस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ गए ट्वेंटी